ग्वालियर जिले में दो सनकी सगे भाई द्वारा अपने पिता के मौत के बाद भी 3 दिन तक उनका अंतिम संस्कार नहीं करने का मामला सामने आया है। दरअसल डबरा सिटी थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी में रहने वाले सिंचाई विभाग में निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त प्रेम नारायण मिश्रा का घर पर 1 अगस्त को निधन हो गया। उस दौरान उनके दोनों बेटे प्रदीप और भानु घर पर थे। सुबह 10 बजे प्रेम नारायण की मृत्यु के बारे में मालूम चलने पर समाज के लोग वहां पहुंच गए, लेकिन उनका छोटा बेटा पिता के शव के समीप बैठा रहा, शव को हाथ भी नहीं लगाने दिया। समाज के लोग वहां से लौट गए। हालत यह हो गई कि 3 दिन बीतने पर आसपास दुर्गंध फैल गई। फिर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को एम्बुलेंस से मुक्तिधाम तक पहुंचाया, तब जाकर छोटे बेटे भानु ने पिता का दाह संस्कार किया। डबरा थाना क्षेत्र में एक प्रेम नारायण श्रीवास्तव 80 वर्षीय थे। उनकी जो है घर में डेथ हो गई थी और डेथ के बाद उनके उनका जो परिजन है उनके द्वारा डेड बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा था और उनका ऐसा मानना था कि उनके द्वारा फिर से उनके पिता जीवित हो जाएंगे, तो इस कारण से वो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। पर जब 2 दिन तक डेड बॉडी रखी रही, आस पड़ोस में सड़ान और बदबू आने लगी, तो आस पड़ोस वालों ने डबरा थाने पर कंप्लेंट करी। थाना प्रभारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वहाँ घटनास्थल पर गए और उनके परिजनों से बात करी। उनको डॉक्टर द्वारा बुलाकर समझाया गया और लोगों द्वारा भी समझाया गया, जब उनकी समझ में आई, जब उनके परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार